कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि फिर से चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। चीन में कोविड-19 मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं। गुजरात में जो 61 वर्षीय NRI महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, उसे वैक्सीन की 3 डोज लगी हुई थी। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। कई मामलों में जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं वो लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान सामान्य मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन वो लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं। हेल्थ स्टडी जोए ने कोरोना के नए लक्षणों के बारे में बताया है जो कोरोना के मरीजों में देखे जा रहे हैं। express.co.uk के अनुसार रिसर्च बताती है कि महामारी की शुरुआत के बाद से जोए लगातार कोविड के लक्षणों के बारे में ये जानकारी दे रहा है कि समय के साथ लोगों में लक्षण किस तरह बदल रहे हैं। हर वायरस की तरह SARS-CoV-2 कोरोना वायरस, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है, फैलने की क्षमता और इसके लक्षणों के कारण म्यूटेट हो रहा है। नीचे बताए हुए कोविड-19 के सबसे आम लक्षण हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। गले में खराश, छींक, बहती नाक, बंद नाक, बिना कफ वाली खांसी, सिरदर्द, कफ के साथ खांसी, बोलने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, गंध न आना, अधिक बुखार, कपकपी के साथ बुखार, लगातार खांसी आना, सांस लेने में समस्या, थकान महसूस होना, भूख में कमी, डायरिया, बीमार होना। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।